हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है 100% नॉलेज विद सक्सेस। में हमारे पास यूनिट चल रही थी क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम यांत्रिकी। देखो, इसमें हमने कई टॉपिक पढ़ लिए हैं और कई रह भी रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत या फिर हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखो, छोटी सी थ्योरी है, छोटा सा सिद्धांत है, लेकिन फिर भी लोग बाग समझ नहीं पाते हैं इसको। तो आज आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। देखो, इसका जो नाम है अनिश्चितता क्यों पड़ा, इसके पीछे एक स्टोरी है। देखो, जो हमारे हाइजेनबर्ग नाम के साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, इन्होंने क्या किया, जो इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन की स्थिति, यानी कि जब परमाणु रोटेट कर रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग दोनों को एक साथ निकालने की कोशिश की। उन्होंने किसी फिक्स टाइम पे, उन्होंने एक टाइम नोट करके उसी टाइम पर इलेक्ट्रॉन की स्थिति, जो इलेक्ट्रॉन कण है ना, उसकी स्थिति पोजीशन और दूसरी चीज़ उसका संवेग, इन दोनों को निकालने की कोशिश की एक साथ। लेकिन इन्होंने क्या देखा, जब कण की स्थिति को निकालने जाते हैं तो संवेग गलत हो जाता है, और जब संवेग निकालने जाते हैं तो कण की स्थिति गलत हो जाती है। यानी कि होता क्या है, एक चीज़ सही होती है तो दूसरी चीज़ गलत हो जाती है। यानी कि अगर ये सही, इसका मान सही आया तो ये गलत हो जाएगी, और अगर इसको सही करने की कोशिश की तो ये गलत हो गई। ठीक है, यानी कि ये कोई निश्चित नहीं कर सकते इसको, यानी कि कण की स्थिति और संवेग को निश्चित नहीं किया जा सकता। और इसको हाइजेनबर्ग ने दिया था, तो इसलिए हमने इसको बोल दिया हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। ठीक है, तो अब जो कण की स्थिति है उसको मैं लिख रहा हूँ एक्स। ठीक है, और जो संवेग है उसको तो हमको पता ही है, पी लिखते हैं। ठीक है, अब आपको ये तो पता होगा संवेग पी बराबर एम वी होता है, द्रव्यमान इंटू वेग का गुणनफल होता है, ये पता होगा, पता है ना। अब देखो, जो कण की स्थिति है एक्स बार बार चेंज होती रहती है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन पूरा चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन पूरा चक्कर लगा रहा है, किसके, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो उसकी सीधी सी बात है पोजीशन चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो हम इसके आगे डेल्टा एक्स लगा देते हैं, यहाँ लिख देता हूँ डेल्टा एक्स। ठीक है, और इसके साथ में क्या लिख देता हूँ, डेल्टा पी। संवेग भी चेंज होता रहता है, संवेग भी चेंज होता रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वेग और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब देखो, जो इलेक्ट्रॉन का वेग और जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ऐसा माना जाता है कि ये एच अपॉन 4π के या तो बराबर होता है या उससे बड़ा होता है। इनकी वैल्यू या तो उसके बराबर होती है या बड़ी होती है, ग्रेटर देन होती है। ठीक है, निश्चित नहीं होती, निश्चित नहीं होती, फिक्स नहीं होती, तभी तो इसको हम अनिश्चितता का सिद्धांत बोल रहे हैं। नहीं तो अगर फिक्स हो जाती तो शायद ये अनिश्चितता नहीं, ए हट जाता इसमें से और निश्चितता का सिद्धांत रह जाता। फिक्स नहीं हुआ जब, तो अनिश्चितता का सिद्धांत है। तो इन्होंने जब इस वाली बात पे फोकस किया, इस पे फोकस किया, तो इन्होंने क्या देखा कि जो डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का गुणनफल है, यानी कि स्थिति और संवेग का जो गुणनफल है, वो एच अपॉन 4π वाली वैल्यू से या तो ज़्यादा आएगा या फिर बराबर आएगा। एच क्या है, हम पे प्लांक स्थिरांक है, और पाई आपको पता ही है क्या होता है। ठीक है, या तो उसके ज़्यादा आएगा या बराबर आएगा, इतनी सी बात है। अब जो पी है वो क्या होता है, एम वी होता है, मैंने आपको बताया था यहाँ पे डेल्टा पी है, तो डेल्टा पी को एम डेल्टा वी लिख सकता हूँ मैं, लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, आप कहेंगे क्यों लिख सकते हो सर, क्योंकि देखो यहाँ पे जो एम है ना, इसकी वैल्यू फिक्स है, आपको पता है एम क्या है, नियतांक है, द्रव्यमान है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, फिक्स होता है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। उसकी वैल्यू चेंज होती है क्या, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, और जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती उसके आगे हम डेल्टा कैसे लगा सकते हैं। डेल्टा तो हम किसके लिए लगा रहे हैं, किसी चीज़ के परिवर्तन के लिए लगा रहे हैं, किसी चीज़ के चेंज होने के लिए लगा रहे हैं, परिवर्तन के लिए लगा रहे हैं, और जब यहाँ पर यह परिवर्तित ही नहीं हो रहा तो हम क्यों लगाएंगे डेल्टा। ठीक है, अब देखो डेल्टा एक्स डेल्टा पी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एम डेल्टा पी
बराबर है ग्रेटर देन है एच अपॉन फोर पाई के, यानी कि कण की स्थिति और जो संवेग है वो किससे बड़ा होगा या बराबर होगा, एच अपॉन फोर पाई के। इतनी सी बात याद रखनी है, इसको ही हम बोल रहे हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत या फिर हाइजेनबर्ग से अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास हाइजेनबर्ग का सिद्धांत हुआ। मैंने एक एक बात बताई है क्योंकि मुझे पता है मेरी जो ये वीडियो है वो मैथ वाले भी देख रहे हैं और बायो वाले भी देख रहे हैं, और बायो वालों के लिए फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ी सी कष्टदायक होती है जिसमें उनको प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए मैंने एक एक चीज़ बताई है। और अगर आपको पिछले लेक्चर में भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर ये समझ में आया तो लाइक कीजिए। आज की वीडियो थोड़ी सी कम होगी क्योंकि बार बार लाइटिंग की प्रॉब्लम आ रही है, बार बार लाइट जा रही है यहाँ पर, तो अगला टॉपिक नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो अगले टॉपिक के लिए आपको कल का वेट करना पड़ेगा, इसलिए आज ये वीडियो थोड़ी छोटी है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ आपसे, ठीक है, कल मिलते हैं।